नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, मैं अविनाश कुमार जीएसएसटू वासु का फाउंडर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने चैनल में आज का जो विषय है, हम लोग कुंडली में किस प्रकार से देखें कि हमें रोजगार करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए, इस विषय में हम कुछ बातें आज आपके साथ साझा करूंगा। साथ में हम लोग कुंडली को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उन्नति आए, जिससे मुझे हमें धन की प्राप्ति हो। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और जो पुराने श्रोता जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो कृपया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में मैं आप सभी श्रोताओं को यह कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल में जाएं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। मैंने वहां पर बहुत सारे वीडियो डाल के रखा हुआ है, जैसे संतान के योग, विवाह के योग, विदेश यात्रा के योग, सरकारी नौकरी के योग, कुंडली मिलान, गुण मिलान, शनि के क्या क्या कार्यकत्व है, वो सब वीडियो आप देखें। आप अपनी पत्रिकाओं को खोलें, उससे उसको मिलान करें, अध्ययन करें और देखें कि आपको वो चीज कहां पर सही सही बैठ रही है, उस प्रकार आप अपने आप को जानें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली आपके पास आती है, यदि आप भी ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा यदि आप हमारे वीडियो को देखकर समझकर उस कुंडली को यदि आप अध्ययन करते हैं। साथ में दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं कुंडली का विश्लेषण भी करता हूं। यदि आपको अपने जीवन काल में किसी भी अवस्था, किसी भी इवेंट के बारे में जानना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बराबर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है इस वीडियो के माध्यम से फ्लैश करता रहूंगा। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग कुंडली में कैसे जाने कि हमें रोजगार करना चाहिए या व्यवसाय, रोजगार या व्यवसाय तो कौन सा रोजगार, कौन सा व्यवसाय हमें करना चाहिए जो हमारे जीवन में सुख की अनुभूति दे, हमारे आजीविका में धन की बढ़ोतरी करे, या हम अपने आजीविका के लिए धन की प्राप्ति कर सके इजीली, वो ऐसे क्या रूल्स हैं, क्या नियम है कुंडली में देखने के लिए। तो हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो काल पुरुष की कुंडली में जो दसवां घर होता है उसे कर्म का घर, कर्म भाव कहते हैं, कर्मा जीव, अर्थात कर्म से, कार्य करने से या उपाय से या स्थान से हमारे आजीविका, मतलब हमारे जीवन के पालन पोषण के लिए धन की प्राप्ति होगी, ये हम लोग अपने दसवें घर से देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में उतरता है तो इसी दसवें घर से उसके कर्म को देखा जाता, उसके कार्य को देखा जाता। अधिकांशतः व्यक्ति जब हमारे पास कुंडली लेके आते हैं, अपनी जन्मपत्री लेके आते, तो उनका एक कॉमन सवाल रहता है कि मैं रोजगार करूं या व्यवसाय करूं, मुझे किस साधन से, किस व्यवसाय से, किस रोजगार से धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कुंडली में सबसे पहले
प्रथम रूल नोट कर ले, लग्न एवं चंद्रमा को देखें। लग्न और चंद्रमा में कौन बलवान है? यदि जो दोनों में से कोई बलवान है उससे उसका दशम भाव को देखें। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न बलवान है, आप लग्न से अपने दसवें घर को देखें, उस घर में जो ग्रह है, जो ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह के गुण, स्वभाव, कार्यकत्व करना चाहिए, चाहे वो रोजगार के रूप में हो, चाहे व्यवसाय के रूप में हो। यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से दसवें भाव को देखें, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं, उसके प्रभाव, उसके कार्यकत्व, उसके गुण, उसके स्वभाव, उस किस किस चीज को बताते हैं वो ग्रह, उसमें से कोई एक या दो चीज आप अपने रोजगार या व्यवसाय में लाए, आपको धन की प्राप्ति होगी। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न बलवान है तो लग्न से दसवा घर सूर्य बैठा हुआ है, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि हमारे दसवें घर में सूर्य बैठा हुआ है, यदि हमारा लग्न मजबूत है, तो हमें जो धन की प्राप्ति होगी वो हमारे पिता द्वारा होगी। यदि लग्न से दसम यदि बलवान चंद्रमा बैठा हुआ है तो हमें माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार यदि मंगल बैठा हुआ है तो हमें शत्रुओं से धन की प्राप्ति होगी, बुध बैठा हुआ है तो मित्रों से धन प्राप्ति होगी, दोस्तों गुरु बैठा हुआ है तो हमारे भाई बंधु से धन की प्राप्ति होगी, शुक्र बैठा हुआ स्त्री से धन की प्राप्ति होगी, शनि बैठा हुआ तो नौकर से धन की प्राप्ति होगी। जिस समय ये ज्योतिष शास्त्र की किताबें लिखी जा रही थी उस समय आय के कार्य और साधन बहुत ही सीमित थे दोस्तों, लेकिन आज के परिवेश में बहुत सारे कल कारखानाएं, फैक्ट्रियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, मीडिया, बहुत सारे चीजों के कार्य, आय के साधन हमारे जीवन में उपलब्ध हैं। तो हमें यदि हमारी लग्न कुंडली में यदि लग्न मजबूत है, उससे दशम में यदि सूर्य बैठा है, तो हमें सिर्फ पिता से ही धन की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, साथ में हमें सूर्य के क्या क्या कार्यकत्व है, सूर्य का क्या क्या प्रभाव है, सूर्य क्या क्या दे सकते हैं सूर्य, उसके बारे में बताना चाहिए। उसमें से कोई दो तीन चीज आप अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में यदि आप लाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अब मैं यह दूसरा नियम बताता हूं दोस्तों। अब आप अपने लग्न कुंडली में लग्न को देखें, सूर्य को देखें और चंद्रमा को देखें। इन तीनों में से जो कोई भी बलवान हो उससे उसकी दशम भाव की राशि को देखें। उस राशि के स्वामी हमारे नवमांश में, किस नवमांश राशि में बैठे हुए हैं, उस नवमांश राशि के स्वामी ग्रह के कार्य हमें करने चाहिए, इससे हमें धन की प्राप्ति होगी। अर्थात मैं यहां एक कुंडली लगाकर आपको समझाने का कोशिश करता हूं और आपके साथ हम लोग अपनी जो बातें साझा करते हैं। अब कुंडली देखिए, ये सिग्न लग्न की कुंडली है। सूर्य इस कुंडली में आपको चतुर्थ भाग में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं 26 डिग्री पर। चंद्रमा इस कुंडली में आपको मीन राशि में 8वें घर में बैठे हुए हैं। तो अब मान लीजिए कि इस कुंडली में हमारा लग्न मजबूत है, तो लग्न से हमारी दसवीं राशि कौन सी हो गई दोस्तों, देखिएगा, वृष राशि। वृष राशि के स्वामी कौन हो गए, शुक्र हो गए। अब नवांश कुंडली में देखिए, तो लग्न कुंडली में शुक्र आप देख सकते हैं कि तुला राशि में बैठे हुए, अपने उच्च की राशि में, अपने स्वराशि में बैठे हुए हैं 5 अंशों पर।
तो हम नवांश में देखते हैं तो नवांश में शुक्र वृश्चिक नवांश में आपको बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक नवांश के स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। तो हमें मंगल का कार्य करना चाहिए, अर्थात हमें जिम का प्रोडक्ट, डिफेंस का प्रोडक्ट, मंगल अग्नि तत्व की राशि है तो हम लोग होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। फिर हम लोग यदि रोजगार में है तो हम लोग फोर्स में जा सकते हैं, हम लोग पुलिस में जा सकते हैं। हम लोग मंगल झगड़ा करने वाला भी ग्रह कहलाता है, लड़ाई झगड़ा, तो हम लोग बंदूक का सामान को भी बेच सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मंगल का जो जो कार्यकत है, मंगल का गुण, मंगल का स्वभाव, मंगल का प्रभाव जिस जिस चीज पर पड़ता है उसका यदि हम लोग व्यवसाय करते हैं या उस पर हम लोग नौकरी करते हैं, उसमें रोजगार करते हैं, तो हमें धन की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए इसी कुंडली में आपको मान लीजिए कि सूर्य बलवान है, सूर्य से दशम कौन हो गए? लग्न हो गए। लग्न कौन है? सिग्न लग्न है। उसके स्वामी कौन है? सूर्य है। वो कहां बैठे हुए? वृश्चिक राशि में बैठे हुए, 26 अंश पर बैठे हुए। तो हम नवांश में देख सकते हैं कि सूर्य नवांश में आपको कुंभ नवांश में चला गया। तो कुंभ नवांश की राशि के स्वामी कौन हो गए? शनि हो गए। तो इस व्यक्ति को शनि के गुण, शनि के प्रभाव, शनि के स्वभाव, शनि के कार्यकत्व, शनि जो जो चीज बताता है उसमें से यदि वो अपने व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, तो उन्हें धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार आप चंद्रमा को देखिए, यदि इस कुंडली में चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से दशम कौन से घर हो गए? पंचम घर हो गए। कौन सी राशि है वहां पर? धनु राशि है। उसके स्वामी कौन होते? गुरु होते हैं। गुरु कहां बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में? तो हम देख सकते हैं कि कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कितने अंशों पर है? 15 अंशों पर है। अब नवांश में देखिएगा तो गुरु वृष नवांश में बैठे हुए हैं। वृष नवांश में स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तब शुक्र के गुण, शुक्र के प्रभाव, शुक्र के स्वभाव, शुक्र जो जो चीज बताता है उसका आप व्यापार करें, रोजगार करें, आपको धन की प्राप्ति होगी दोस्तों। तब कैसे जानने कि कौन कौन से ग्रह कौन कौन सा व्यापार प्रभाव कौन सा चीज करने से हमें प्राप्त होंगे? सूर्य को मान लें, सूर्य क्या है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ कि उनको पिता से धन की प्राप्ति होगी। आज के समय में सूर्य हमारे फल, फल वृक्ष, मंत्र, शैतानी, धोखा, जुआ, साथ में सूर्य हमारे सरकार को भी दर्शाता है। सरकारी तंत्र से आपको फायदा होगा, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी, या सरकारी विभाग में आप ठेकेदारी करते हैं, मतलब किसी प्रकार सरकार से आपको अटैचमेंट रहना चाहिए तो आपको धन की प्राप्ति अच्छी तरह से होगी। उसी प्रकार चंद्रमा, चंद्रमा हम माता से लाभ मिलेगा, साथ में चंद्रमा जल का कारक है, जल के पदार्थ, जल की वस्तुएं, दूध, दही, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी जल की चीजें आती हैं यदि आप उसके बिजनेस करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ में मोती, चांदी, विदेश से व्यापार, चाहे विदेश में जाके आप रोजगार करें, आपको उन्नति मिलेगी, आपको आजीविका में धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार मंगल का मैंने बताया आपको, शत्रुओं से उनको धन की प्राप्ति होगी। पुलिस में जाएं या पुलिस विभाग से आप वर्क करें, साथ में मंगल आपको अग्नि तत्व की भी राशि ग्रह कहलाते हैं तो आप अग्नि तत्व से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड में आप जाके नौकरी कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, आपको उन्नति मिलेगी। आप होटल मैनेजमेंट में रोजगार कर सकते हैं या व्यवसाय कर सकते हैं, रेस्टोरेंट अपना खोल सकते हैं या रेस्टोरेंट में आप काम कीजिएगा तो आपको उन्नति मिलेगी। साथ में मंगल हमें जमीन भी बताता है तो आप यदि जमीन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, जमीन के खरीद फरोख्त करते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप रियल एस्टेट में जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार आपको बुध, आप लेखन, काव्य लिखिए, किताब लिखिए,
मीडिया में जाइए तो बुध के जो जो कार्यकत होते हैं उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु गुरु का भी आपको बहुत सात्विक ग्रह होता है, धर्म से आप मंदिर का निर्माण कराएं, आप ब्राह्मणों का आश्रय दें, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप पैसे को सूद में लगाते हैं उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। बैंक में यदि आप काम करते हैं या बैंक आप खोल लें तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र जितने भी भोग विलास की चीजें आज के जमाने में है उसमें से कोई एक दो का आप व्यवसाय करें, रोजगार करें, आपको सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। शनि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि नौकरों से धन की प्राप्ति होती है, अर्थात नौकर आप इस नौकरी करेंगे आपको धन की प्राप्ति होगी, या आप अपने अंडर बहुत सारे लेबर मजदूर को रखते हैं, मान लो एज आप कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ में हमें ये भी देखना कि धन की प्राप्ति कहां होगी, किस दिशा में होगी। तो लग्न से दशम जो राशि होती है उस राशि की दिशा और देश, या लग्न से दशम जो राशि उसके स्वामी नवास में जिस राशि में बैठे हुए उस राशि की दिशा और देश यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको वहां पर धन की प्राप्ति होगी। कभी कभी देखा गया है कि यदि हमारे लग्न मजबूत है, लग्न से दशम जो राशि है उसके स्वामी को यदि हम नवमांस में देखते हैं, जो राशि आती है उसके स्वामी मान लीजिए बलवान है तो हमें इजीली धन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन नवमांस स्वामी यदि दुर्बल हो, कमजोर हो, तो हमें धन की प्राप्ति बहुत ही कठिनाइयां से होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी प्राप्त नहीं होती है, हमें ये भी देखना चाहिए। साथ में कुंडली में बहुत सारे जो हमारे दरिद्र योग हैं, धन हानि योग हैं, ये सारे चीज को भी देखना चाहिए, तभी हम लोग अपनी कुंडली या किसी की कुंडली हमारे पास आती है, यदि वो पूछता है कि हम रोजगार करें कि व्यवसाय करें और हमें धन कैसे प्राप्त होगा, तो ये सारे चीजें हमें देखनी चाहिए दोस्तों। यही दो रूल मैंने बताया है, यदि आप इसे फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि हम रोजगार करें या व्यवसाय, या हम किस चीज का रोजगार करें, किस चीज में जाए रोजगार में, या व्यवसाय भी करें तो किस चीज का व्यवसाय करें जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, अपने आजीविका के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पालन पोषण के। इसी तरह आप हमसे बने रहें दोस्तों, मैं इसी तरह आपको नई नई जानकारियां देता रहूंगा, बस आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।